बारिश आ गई। कितनी कितनी बारिश आई हैं? कितनी आई कितनी आई बारिश कितनी आई? ऐसा लग रहा है हैं? यहाँ देखो, इधर देखो, कुछ कहना चाहोगे? नमस्ते। फिर आगे को वह इतना ही है। तो गाइज आजकल चल रहा है पहाड़ों में बारिश का मौसम, तो यार जगह जगह पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखो यहाँ पे सामने की तरफ ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है, देखिए पूरी बारिश। तो यही बारिश यहाँ पे आ जाएगी थोड़ी देर में, तो ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आने लगी बारिश। तो अभी हम जा रहे हैं घर को, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। आजकल लगातार पहाड़ों में चल रही है बारिश, तो आपके वहाँ का मौसम कैसा हो रहा है जरूर कमेंट कीजिए यार। ऐसा लग रहा है हैं? यहाँ देखो, इधर देखो, कुछ कहना चाहोगे? नमस्ते। फिर आगे को वह इतना ही है। तो गाइस देख सकते हैं बारिश तो आ ही चुकी है और बिटिया भी स्कूल से आ रही है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा मौसम और बारिश आ चुकी है ये, और यहाँ पे नदी है, ये देख सकते हैं नदी, रामगंगा नदी है ये। और ये काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो अब चल रहे हैं हम घर की तरफ, दिन का बज चुका है 2, और आज का ब्लॉग भी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं वैसे, क्योंकि अभी हम घर जा रहे थे तो हमने सोचा कि आपको यहाँ का भी लोकेशन दिखाते हुए चलें। और कैसा लग रहा है ब्लॉग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारे यहाँ पे धान गुड़ाई भी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो ये धान के खेत हैं और देखिए धान की गुड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप पूरे खेतों में धान गुड़ाई स्टार्ट हो चुकी है ये। और हम अपने घर से थोड़ा सा नीचे पे पहुंच चुके हैं ये, और यहाँ से तो यहाँ देखिए यहाँ से हमारे गांव का और हमारे घर का व्यू इतना खूबसूरत लगता है ना। तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा आसमान, तो देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये देखिए। तो दगड़ियों देख सकते हैं ये है गोबर, और इसको यहाँ पे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम खेत बुआई जब करते हैं तो इसको खाद के रूप में डाला जाता है, तो कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं गोबर के, क्या बोलते हैं इसको, खाद बोलते हैं पहाड़ी में ना, गोबर के खाद। और अब हम बढ़ते हैं आगे, देखो ये तो गाइस देख सकते हैं यार ये जो देखिए कद्दू के, बारिश आ गई। कितनी कितनी बारिश आई हैं? कितनी आई कितनी आई बारिश कितनी आई कितनी आई बताओ।